कांग्रेस की चौथी सूची में बिलासपुर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनमें तखतपुर से डॉक्टर रश्मि सिंह का नाम भी शामिल है। रश्मि सिंह वहां 2013 में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे आशीष सिंह ठाकुर की पत्नी है, जो सिर्फ 540 वोटों से बीजेपी के राजू छत्री से चुनाव हार गए थे। रश्मि सिंह के पिता रोहिणी कुमार वाजपेयी भी वहां से विधायक रह चुके हैं और उनके ससुर ठाकुर बलराम सिंह भी विधायक रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने रश्मि को उम्मीदवार बनाकर दोहरा लाभ लेने की कोशिश की। पार्टी का मानना है कि रश्मि के मायके से वाजपेयी और ससुराल से ठाकुर होने की वजह से दोनों जातियों के वोट उन्हें मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही इस जगह पर पहुंच पाई और अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही हम विजय भी हासिल करेंगे। 15 वर्ष पुरानी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश देना चाहूंगी जनता को।